तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। टाइगर शिकार पर निकल चुका है और ये चीज़ हम पिछले 3-4 दिन से लगातार देखते आ रहे हैं। वायरस प्लस टाइगर दोनों मिलकर जो स्ट्रेटजिकली चेंजेस ला रहे हैं अपने मूव्स पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, ये लगातार देखने को मिल रहा है। बाय गॉड, मैं फिर कह रहा हूँ, वर्ल्ड कप जैसी इतनी बड़ी डील को भी इन्होंने अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल कर लिया। क्या मतलब कॉन्फिडेंस है वायरस का अपने इस कंटेंट पर। स्पाई यूनिवर्स में वायरस का नाम ज़बरदस्त तरीके से आने वाला है, जिसकी शुरुआत इन्होंने टाइगर फर्स्ट से तो करी ही थी, लेकिन इनको असली औकात का पता चली जब पठान मूवी इस साल रिलीज हुई थी। बाय गॉड, 1000 करोड़ फर्स्ट वायरस प्रोडक्शन की, मतलब बॉलीवुड हिंदी सिनेमा में वायरस प्रोडक्शन की ये नंबर 1 मूवी है जिसने 1000 करोड़ कंप्लीट करे थे। हिंदी सिनेमा की ये पहली फिल्म थी। अभी टाइगर 3 से ये और भी ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं और इनका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इस चीज़ से दिखता है कि वर्ल्ड कप में, मतलब क्रिकेट मैच में, जब भी इंडिया का मैच होगा, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, जब भी इंडिया का मैच होगा सलमान खान का एक सोलो सूट टाइगर 3 का, मतलब प्रमोशन वहाँ पर करा जाएगा। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कितना पैसा खर्च किया होगा, इट मीन्स ये कि टाइगर 3 के कॉन्टेंट पर उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है और यहाँ से बहुत मोटी कमाई ये लोग करने वाले हैं। मतलब पठान तो सिर्फ झांकी थी एक बार के लिए, देखें अगर ये इतना बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं वहाँ पर, तब तो यहाँ से मूवी टाइगर 3 हाई कलेक्शन तो लेके जाएगी ही जाएगी। पिछले 2-3 दिन में ज़बरदस्त तरीके से नए नए पोस्टर्स रिलीज करे गए। पहला पोस्टर आया कैटरीना कैफ का, वो रोप में टंगी हुई। दूसरा, सेकेंड डे में ही सलमान खान का न्यू लुक के साथ, हाथ में पिस्टल, गले में परना, और जो स्वैग एटीट्यूड सलमान खान वाला, भाई इस एटीट्यूड के दीवाने हैं लोग। इसी के लिए तो मूवी का इतना ज्यादा वेट करा जा रहा है इस बंदे का। और कल को न्यू पोस्टर के साथ ट्रेलर की एग्जैक्ट टाइम, मतलब रिलीज टाइम को रिवील करा है, और वो जो पोस्टर है ना भाई, जबरदस्त है यार। हाथ में चेन और वो जो एटीट्यूड, मतलब ये बंदा बना ही मेन लीड में आने के लिए। और टाइगर 3 जबरदस्त करने वाली है, तो मैं आपको बताऊंगा परसों जो बॉम्ब फूटने वाला है, परसों जो टाइगर शिकार करने वाला है अपना पहला शिकार, और वो जबरदस्त तरीके से करने वाला है। मतलब यहाँ वही चीज़ आ गई कि यार टाइगर बूढ़ा हुआ है लेकिन अपने दाव पेज बिल्कुल नहीं भूला है, शिकार करना बिल्कुल नहीं भूला है। और वो परसों हमें 16 अक्टूबर को पता लग जाएगा कि इसमें कितना दम है, इसके वॉर में कितना दम है। जब ये वॉर करेगा अपने स्ट्रेटजिकली मूव से, तो भाई मज़ा आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेलर की रिलीज़ टाइम क्या होने वाली है। दिन के 12 बजे 16 अक्टूबर परसों दिन के 12 बजे टाइगर 3 का ट्रेलर आ जाना है, और क्या फाड़ के जाएगा वो सब देखने में हमें पता लग ही जाएगा। क्योंकि टीजर से हमने इतनी उम्मीद नहीं करी थी, लेकिन टीजर जो इतना भयंकर लेवल का आया है भाई, मज़ा आ गया। उसके बाद ट्रेलर में तो हमें एक्शन ही एक्शन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि टीजर में क्या था, एक मैसेज टाइप का था। सलमान खान की वॉइस ओवरिंग करी गई थी, मतलब आधे से ज़्यादा टीजर में सिर्फ सलमान खान का मैसेज ही था, लेकिन कुछ एक 15 से 20 सेकेंड या फिर 25 सेकेंड के आसपास हमें एक्शन देखने को मिला था, वो भी फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखने को मिला था। अभी तो पूरा ट्रेलर आने वाला है और यहाँ पर सलमान खान को जबरदस्त तरीके से एक्शन भी देखने को मिलेगा, कटरीना कैफ का अच्छा खासा रोल भी देखने को मिलेगा, और लोग जिसके लिए वेट कर रहे हैं, इमरान हाशमी भाई साहब, इसके फर्स्ट लुक के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वहाँ पर डेफिनेटली रिलीज होने वाला है, उसका फर्स्ट लुक रिवील होने वाला है और ज़बरदस्त तरीके से रिवील होने वाला है। तो इन सब चीज़ के लिए भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाएंगे। तो रिमाइंडर सेट कर लीजिए, परसों 16 अक्टूबर दिन के 12 बजे टाइगर दहाड़ मारने वाला है, और भयंकर तरीके से दहाड़ मारने वाला है। मतलब ट्रेलर रिलीज हो जाएगा दिन के 12 बजे परसों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।